हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुदस्सिर इफ्तखार, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी सर। सर ये मुदस्सिर इफ्तिखार कौन है? ये जीशान अंसारी, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, भाई उसका आप किसी और उससे? तो आपके जो ग्रुप ये मेंबर्स देखिए थे इरफान, उसमें कौन कौन था? सर, मेरे ग्रुप में जो है ना इशरा और जुल्फिकार, हमारी ये जो इतनी लेट हुई है ये जुल्फिकार की वजह से हुई है सर, क्योंकि उसके जो है ना थोड़े सिग्नल वगैरह डाउन है, वो गिलगित वाली साइड पे। तो अब क्या करें बताओ, उससे कौन नंबर नहीं लगेंगे अगर तुमने जो है ना प्रेजेंटेशन ना जी सर, करी? हमारा कल कल फाइनल हो जाएगी, थर्सडे को जो सेशन है उसमें हम आपको देंगे इंशाल्लाह हंड्रेड अच्छा, एंड टेन परसेंट और ये जी सर। मुदस्सिर, ये क्या कहते हैं, मुदस्सिर कह रहा हूँ, ईशान, आप रेडी है प्रेजेंट करने? निशान जीशान अंसारी, हेलो। आवाज नहीं आ रही है आपको। अब आ रही मेरी आवाज? निशान भाई आप जरा जगह चेंज करें, जरा सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है भाई, हैसन थोड़ी सी आवाज कम करो अपनी माय स्पीकर की। जीशान स्टार्ट करना है, और ये बाकी मेंबर्स क्या हैं? बिल्कुल कोई भी अवेलेबल नहीं है। मैं फिर इनकी मार्किंग जो है ना, वो अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा एब्सेंट करके, ये तो फिर मैं एब्सेंट नहीं लगाऊंगा इन लोगों की। हेलो हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है अब जीशान? जी, निशान भाई आप बोले अभी। हेलो जी सर, ग्रुप मेंबर्स का आप कह रहे थे, तो वो आपने ग्रुप्स तो बना दिए थे, टॉपिक भी दिए थे, लेकिन कोई ग्रुप मेंबर, शुरू के तीन चार ग्रुप्स के आपने फाइनल किए थे, तो मेरे साथ कोई मेंबर था नहीं, तो मैंने अपनी अकेले ही वर्किंग कर ली थी जो टॉपिक आपने असाइन किए। जी, तो वो मैंने ग्रुप में भी मैसेज छोड़ा था कि कोई अगर ग्रुप में नहीं है तो मुझे ज्वाइन कर ले, तो वो अयूब ने मुझे कांटेक्ट किया था, लेकिन अभी वो पिछले 2 घंटे से रابطे में ही नहीं आ रहा। सुबह मेरी उससे बात हुई थी, वो कह रहा था मैं प्रेजेंट करूंगा आपके साथ, तो जब वो नहीं है तो फिर उनकी प्रेजेंट नहीं लगेगी ना। तो अभी 2-3 घंटे। हाँ वो कह रहा था मैं ट्रैवलिंग का भी कुछ इशू था उसको, शायद आउट ऑफ सिटी था वो, तो ये बात तो तो पहले भी सॉरी हुई थी वो ना, उसके व्हाट्सएप के चक्कर में बगैर अभी मैं। नंबर पे रابطा किया है हाँ जीशान नंबर तो भाई, मैं, हाँ मैं 5:30 बजे से कॉल कर रहा हूँ उसे। अच्छा अच्छा, आप स्टार्ट करें फिर। होस्ट बना दो आपको? हेलो जीशान, होस्ट बना दो आपको? और ये बाकी इशरा मैक, सिकंदर अली, मंदन, अरशद इसरार सर, इशरा तो मेरे ग्रुप में ना, हम तो थर्सडे को सर, करेंगे ना सर प्रेजेंट। और ये सर हम नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा? नेक्स्ट टाइम कभी भी आता, नेक्स्ट टाइम टाइम सर मतलब हमारे तनवीर साहब जो ना क्या? तनवीर साहब सर, मैंने नहीं ग्रुप में कह दिया था 2 ग्रुप आज रेडी होंगे और बाकी के 4 ग्रुप थर्सडे को देंगे सर। थर्सडे तक हमने प्रेजेंटेशन फाइनल करनी है, उसके बाद मंडे को हमारा न्यू सेशन जो क्लास होगी न्यू सिलेबस की, उसकी क्लास होनी है, तो थर्सडे तक सर ये प्रेजेंटेशन फाइनल हो जाएगी। मैं पूरे ग्रुप
तो भाई आज आज जो जिसने देनी है मुझे बताया जिशान, मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है सर। मैं आपको अथॉराइज जिशान भाई काइंडली आप जगह भी चेंज कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपके नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। तो प्रेजेंटेशन ऐसा ना, अपने स्पीकर की आवाज कम करो, बहुत तेज है। सर, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। निशान, मैंने आपको होस्ट बना दिया। ओके सर, थैंक यू। इसको कांटेक्ट कर। सर ये जो मोबाइल में कहाँ से नोंगा इसमें से सर? मोबाइल में, मोबाइल से दोगे प्रेजेंटेशन? वो नहीं है लैपटॉप। सर लैपटॉप में वो वाईफाई से ही काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से कांटेक्ट ओपन कर लिया मोबाइल से। मोबाइल का मुझे प्रोसीजर तो नहीं पता, मैं तो लैपटॉप यूज करता हूँ। यार जहाँ पे वो फाइल होगी ना, उस फाइल में जाके वहां से शेयर कर लो ना। मैंने व्हाट्सएप से शेयर किया और वहां से डाउनलोड किया, तो अभी मेरे मोबाइल में किस जगह पे होगा वो? यार आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में जाए और वहां से जहां से आपने शेयर किया है वहां से ही भेज दें। सर मैनेजर फाइल मैनेजर में इसमें भी नहीं है डाउनलोड्स। भाई निशान भाई आपके सामने शेयर का ऑप्शन होगा, वहां से आप जाए तो सही। ये मैंने शेयर ओपन कर लिया। अब अब आ रहा है आप लोगों के पास? नहीं, हमें तो शो नहीं हो रहा। नहीं ब्रो, सर शेयर स्क्रीन तो मैं कर चुका हूं यहां से। अब आया सर? नहीं, यार आप एक काम करें, आप सर को भेज दीजिए। सर आप खुद ही अभी आ रहा है, अभी आ गया निशान। आ गया। 1 मिनट, ये शो हुआ? हुआ दोबारा गया। काइंडली आप वही दोबारा करें जो आपने किया। आया हाँ, आया तो है। चलो जी ब्रो। चलो शुक्र है आ गया। स्टार्ट करूं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। टॉपिक बिस्मिल्लाह क्या है आपका? रहमान रहीम। अच्छा, रेगुलेशन और रेगुलेटरी बोर्ड पे हम पढ़ रहे थे और उस पे आपने मुझे पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी पे प्रेजेंटेशन देने के लिए टास्क दिया था, तो उसी से मुताल्लिक मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो ये टॉपिक आज मैं कवर करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन में, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीएनआरए, बेसिक पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन और मिशन ऑफ पीएनआरए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, फंक्शन ऑफ पीएनआरए।
हिस्ट्री ये है कि 1984 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में डायरेक्टरेट ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन एक इदारा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि उस वक्त एक पाकिस्तान एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर इस्टेब्लिश हुआ हुआ था, उसकी रेगुलेशंस के लिए ये इदारे इस इदारे को इस्टेब्लिश किया गया। देन पाकिस्तान ने एक कन्वेंशन साइन किया, न्यूक्लियर सेफ्टी कन्वेंशन, और पाकिस्तान उसका सेग्नेटरी बना 1994 में। तो फिर उस कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट ये थी कि हर मुल्क में एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बोर्ड या रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो 1994 में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी बोर्ड का क्याम किया गया, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं था, वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के अम्ब्रेला के अंडर वर्किंग कर रहा था। देन 2001 में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी PNRA को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट इदारा था, रेगुलेटरी बॉडी थी, और जो पाकिस्तान ने 1994 में सिग्नेटरी बना था जिस कन्वेंशन का, उसको मुकम्मल तौर पर फुलफिल किया गया। और बेसिक पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, PNRA क्यों बनाया गया, उसको मैं इसके अगली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेडिएशन किस तरह बेनिफिशियल है हमारे लिए। न्यूक्लियर एनर्जी से तो हम पावर जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट होती है टू रन इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक यूज़, और मेडिकल यूज़ जो हम करते हैं रेडिएशंस का, उससे लाइफ सेविंग होती है, जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, और रिसर्च के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर या रेडिएशन रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, उनको नुकसान होता है अगर वो प्रॉपर प्रोटेक्शन ना करें। तो एरिथमा, स्टरिलिटी मतलब बांझपन, कैंसर और इस तरह की बीमारियां जो है इनको लाहक हो जाती हैं। तो जो पर्पस है लेजिस्लेशन का वो ये है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, जनरल पब्लिक, पेशेंट्स एंड एनवायरनमेंट। तो हर किसी के लिए कितनी एक्सेप्टेबल लिमिट है, कितनी एक्सेप्टेबल डोज देनी है, उससे क्या ट्रीटमेंट होगा, या अगर हम उससे एनर्जी सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस तरह, जो वहाँ के रेडिएशन वर्कर हैं या न्यूक्लियर वर्कर हैं वो किस तरह सेव रहेंगे, उन सब की जो लेजिस्लेशन है वो इस इदारे का काम है करना। ये इरफान, मैं एक बात, कंट्रोल ऑफ रेडिएशन सोर्सेस, सॉरी ये जीशान, मैं एक बात पूछूंगा, इसका मतलब ये है कि जो PNRA जो बना हुआ है स्पेशली ये फॉर सेफ्टी पर्पस है, या इसका कोई और कोई भी और काम है इसका? सर अभी मैं आगे जाके जो रेगुलेशंस आपको दिखाऊंगा, तो ये मुकम्मल इदारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन और सेफ्टी पे काम कर रहा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये रेडिएशन से रिलेटेड है। और मुशर्रफ साहब की, जी सर, और तो ये 2001 में बनाया, तो मुशर्रफ साहब का एंड का दौर था, तो ये PNRA क्योंकि इससे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी से कुछ लोग यहाँ शिफ्ट करके इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो PAEC भी उस वक्त आप कह लें कि मिलिट्री के अंडर में ही कुछ चीज़ें चल रही थी, तो इसलिए ये पब्लिकली लोग इसमें इन्वॉल्व हो नहीं पाए। इसकी हायरिंग भी जो होती है वो भी डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती सर, वो बहुत लंबी चौड़ी तरीके कार एक प्रोसीजर है इनका, उसके ज़रिए होती है। तो ये एक आप कह लें कि मिलिट्री अम्ब्रेला के अंडर वर्किंग हो रही थी, इस वजह से हम इस पे जनरल पब्लिक को इसका इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। बाकी ये PNRA जो वर्किंग कर रहा है टोटल सेफ्टी और प्रोटेक्शन पे कर रहा है। अच्छा जी सर, पाकिस्तान में रेडिएशन सोर्सेज या रेडिएशन जनरेशन जो इक्विपमेंट्स हैं उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये पाकिस्तान सेफ्टी इन पाकिस्तान जो है वो PNRA ऑर्डिनेंस नंबर 3/2001 में जो ऑर्डिनेंस आया, सेक्शन 19 जो है उसमें वो बता रहे हैं कि अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस। तो PNRA के पास एक अथॉरिटी जो है लाइसेंस इशू करने के, जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड एक्टिविटी है उसके लिए लाइसेंस इशू करेगा ये, और दूसरा ये है कि रेगुलेशंस बनाएगा पब्लिक के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, और जो इदारे इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं उनके लिए रेगुलेशंस बना के उनको देगा। और इस वक्त पाकिस्तान में 3 रीजनल न्यूक्लियर सेफ्टी डायरेक्टरेट काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है और कराची में और चश्मा में। और मिशन ऑफ PNRA जो है वो ये है कि टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लियर रेडिएशन वर्कर
जनरल पब्लिक एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। तो इसका मतलब ये पाकिस्तान न्यूक्लियर पीएनआरए जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो ये इन एनर्जी को भी कवर कर रहा है और एनवायरनमेंट को भी कवर कर रहा है इन द सेंस। जी सर, एनवायरनमेंट को इस तरह कवर कर रहा है, सेफ्टी की तरफ चला जाएगा कि जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी सर, सेफ्टी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इस पहले भी मैं इस बात को करना चाह रहा था लेकिन वो मैं दूसरी तरफ मुड़ गया था कि एनवायरनमेंट वाले इसमें काम कर रहे नहीं है इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ ये फिजिक्स वाले इस पे काम कर रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि एनवायरनमेंट वाले भी इन्वॉल्व हों, लेकिन वो चूंकि इदारा प्राइवेट इदारा उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए था, इसलिए कुछ लोग इन पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो फिजिक्स रिलेटेड हैं और वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। सही। और नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पीएनआरए का जो है ये मैं आपके सामने, चेयरमैन जो है वो सबसे ऊपर है और उनके अंडर फिर सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर जनरल्स हैं, मेंबर्स हैं, मेंबर्स की भी दो टाइप में एग्जीक्यूटिव है और कॉर्पोरेट है। और ये स्लाइड बहुत छोटी पड़ी थी ऑर्गेनोग्राम को शो करने के लिए, तो इसमें जो भी सेक्शन है हर सेक्शन जो है वो सेफ्टी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टरेट ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट सेफ्टी, डायरेक्टरेट ऑफ रेडिएशन सेफ्टी, डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी। तो ये प्योरली आप कह लें कि ये सेफ्टी और एनवायरनमेंट ही का इदारा है। इसमें तो एनवायरनमेंट वालों का एनवायरनमेंट वालों की अच्छी खासी जगह बनती है, क्योंकि जो पिछली स्लाइड आपने मुझे दिखाई है सारी, तो इसमें ये हाँ इसके अंदर जो है ना डायरेक्टरेट फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी के अंदर आ जाता है हमारा वेस्ट सेफ्टी है, तो वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, रेडिएशन सेफ्टी है इसको कैसे हैंडल करना है, तो ये ज्यादातर जो है एनवायरनमेंट वाले ही इसमें काम कर रहे होते हैं। जी सर, एनवायरनमेंट वालों का होना इसमें चाहिए लेकिन है नहीं, अफसोस के साथ। चले ये प्योर ठीक है सर। अच्छा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इनका सर तीन टीयर्स पे बेस करता है। पहला टीयर जो है वो ऑर्डिनेंस है जो गवर्नमेंट इशू करती है और उसी ऑर्डिनेंस के बिहाफ पे ये इदारा बना है, जिसमें जिस ऑर्डिनेंस में इसकी लीगल अथॉरिटी बयान की गई है, ऑब्जेक्टिव्स शो किए गए हैं, ये स्ट्रक्चर शो किए गए हैं, ये किस तरह से काम करेगा। और टीयर टू जो है वो पीएनआरए रेगुलेशंस बनाता है, रेगुलेशंस जनरेट करता है कि जो भी काम है वो किस तरह किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एक्टिविटी। और टीयर थ्री जो है वो जो रेगुलेशंस वो बनाएगा उस पे अमल जी, जो रेगुलेशंस ये इन्होंने बनाए हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसकी कंप्लायंस किस तरह करनी है, वो गाइडलाइन भी फिर इन्होंने ही देनी है। अच्छा, फंक्शन ऑफ पीएनआरए, पीएनआरए के प्राइमरी फंक्शंस तो ये है कि लाइसेंस इशू करे न्यूक्लियर पावर प्लांट को, रिसर्च रिएक्टर्स को, एग्रीकल्चर सेंटर्स को, मेडिकल सेंटर्स को, और जहाँ कहीं भी एक्सरे मशीन्स जनरेट हुई लगी हुई हैं इस्तेमाल हो रही हैं उनको, और इंडस्ट्रीज को जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होती है, और सेफ्टी रिव्यू एंड असेसमेंट साइट्स की, लोकेशंस की, सर्विलेंस एंड इंस्पेक्शन साइट्स की, लोकेशंस की, प्रिपरेशंस ऑफ रेगुलेशंस, फिर उनको इंप्लीमेंट किस तरह करना है, उसकी गाइडलाइन स्टैंडर्ड सेट करना, और लाइसेंसिंग के प्रोसीजर को बनाना आसान करना, और फिर जो कुछ भी इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्फोर्समेंट भी इन्हीं का ही काम है। फिजिकल प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी है इनकी सबसे अहम जिम्मेदारियों में, जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग विद और पब्लिक अवेयरनेस। ट्रेनिंग जो है वो ये सिर्फ रेडिएशन वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं और न्यूक्लियर वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं, जबकि पब्लिक के लिए इनके पास जो सेक्शन है वो अवेयरनेस का है। अवेयरनेस की बहुत बड़ी एक ड्राइव पिछले दिनों देखने में आई थी, जब K2 K3 के हवाले से 6-7 साल पुरानी बात है, मीडिया सोशल मीडिया पे और अखबारात में काफ़ी नेगेटिव पब्लिकेशंस शो हुई थी, तो फिर पीएनआरए ने डिसाइड किया था कि हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके इसके हवाले से जो भी क्वेश्चन है लोगों के उस हम उनको तहफ़ुज़ात दूर करें। तो NED कराची यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूरे पाकिस्तान में इन्होंने अवेयरनेस ड्राइव कंडक्ट की थी। पीएनआरए रेगुलेशंस की बात अगर की जाए तो आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, पीएनआरए की काफ़ी सारी रेगुलेशन है जिसमें से मैंने कोशिश की है कि एक स्लाइड में मैं शो कर सकूं मैक्सिमम को, तो जो मोटी मोटी है वो ये है कि पाक 904 जो है रेगुलेशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन है, और पाक 908 जो है रेगुलेशन फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ
रेडिएशन फैसिलिटी अदर देन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। अदर देन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से मुराद ये है कि रेडिएशन फैसिलिटी, जैसे रेडियोलॉजी होता है, हर हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है रेडियोलॉजी, तो वहाँ पे रेडिएशन की सारी एक्टिविटीज होती हैं, एक्सरे मशीन हैं, सिटी है, तो वो उसमें से रेडिएशन जनरेट होती है, तो उसकी उसको ये इस तरह इंश्योर करा रहे होते हैं कि सिर्फ पेशेंट ही को वो यूटिलाइज हो सके, जो वहाँ पे वर्कर हैं वो इससे इफेक्ट ना हो, नर्सिंग इफेक्ट ना हो, जो साथ में पेशेंट के आ रहे होते हैं लोग वो इफेक्ट ना हो, हाउसकीपिंग स्टाफ है वो उसको कितना रेडिएशन डोज मिलेगा, तो ये सारी कैलकुलेशन होती है पेशेंट वेटिंग एरिया में इसका कितना एक्सपोजर जा रहा है, और अगर एक्सरे रूम कोई बनाया गया है तो उसकी जो चारों तरफ दीवारें हैं उसकी थिकनेस कितनी होगी और उसमें लेड कितना डलेगा, ये सारी चीजें इस रेगुलेशन में मौजूद हैं। अच्छा, पाक 909 जो है रेगुलेशन फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लिए इनकी अलग रेगुलेशन है, जिस तरह हमने देखा है कि चश्मा और कराची में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस लगी हुई पावर जनरेशन के लिए, और पाक 911 रेगुलेशन ऑन द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजाइन, तो ये सिर्फ डिजाइनिंग से रिलेटेड रेगुलेशन है, और 913 जो है रेगुलेशन ऑन द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन, तो ये भी पावर प्लांट के ऑपरेशन में क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उसके हवाले से रेगुलेशन है। अच्छा, एक रेगुलेशन मैंने इसमें नहीं डाली, पाक 912। अच्छा, 910 भी है ईशान? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज नहीं आ रही।